हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैंने यह सोचा जब मैं घर पर रहूंगी ना तब मैं रेसिपीज अपलोड करूंगी, और जब मैं घर के बाहर रहूंगी ना तब मैं व्लॉग्स वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, मैं जाने वाली हूँ 1 वीक के लिए पूना, तो मैंने सोचा इस पर ही व्लॉग वीडियो बना देती हूँ। तो चलो दोस्तों, अब मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, अब हम निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अब मैं स्टेशन आ गई हूँ और वो देखिए मेरी ट्रेन भी आ रही है। अब हम ट्रेन में बैठते हैं और निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं कर्नाटका के यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। तो यहाँ हल्की बारिश हो रही है और मुझे बारिश में जर्नी करने को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो दोस्तों, मेरा सफर स्टार्ट हो गया है, अब हम मिलते हैं पुणे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल मेरी 1 बजे की ट्रेन थी, फिर मैं रात को 10 बजे पुणे पहुंच गई हूँ। सुबह के 10 बजे है तो अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ। तो हम चलते हैं पुणे घूमने, हम देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ घूमना है। तो चलो फ्रेंड्स, आपको भी मैं साथ लेकर जाती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे के फेमस गार्डन जिसका नाम है ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन, और इसे फूले देशपांडे गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन ये पुणे की बहुत ही फेमस गार्डन है। तो दोस्तों, आप जब भी पुणे आएंगे ना तो इस गार्डन पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये यहाँ का मेन एंट्री गेट है। अब हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लेफ्ट साइड में छोटे बच्चों को खेलने के लिए पार्क है, लेकिन हम आगे जाएंगे और थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ टिकट काउंटर है, तो अब हम टिकट ले लेते हैं। तो यहाँ बड़ों के लिए 5 रुपये और छोटे बच्चों के लिए फ्री है। तो अब हमने टिकट ले लिया है, अब हम अंदर चलते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा, सभी तरफ हरियाली है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो दोस्तों, ये जगह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों चलो, अब मैं आपको सारा गार्डन घुमाकर दिखाती हूँ। तो आप जब बाहर का बोर्ड देखोगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि अंदर इतनी खूबसूरत गार्डन है। अगर आपको इस गार्डन में आना है तो इसका एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका एड्रेस है दत्तवाड़ी सिंहगढ़ रोड पुणे। तो मैं आपको बता दूं, पुणे मेरा मायका है और मैं बहुत बार पुणे आती रहती हूँ, लेकिन इस जगह पर मैं पहली बार ही आई हूँ और मैं बता नहीं सकती, ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आ गई। तो देखो दोस्तों, यहाँ छोटे छोटे झरने हैं और मुझे झरनों की आवाज़ बहुत ही पसंद है। इस खूबसूरत जगह पर आकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ आप भी एक बार इस जगह पर आए और प्रकृति का मजा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस गार्डन में आना है तो इसका टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसका टाइमिंग है सुबह के 6:30 बजे से 10 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक। तो आप इसी टाइमिंग में इस गार्डन में आ सकते हो। तो दोस्तों, जोर की बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा मैं यहाँ बैठती हूँ। तो सेम इसी तरह के गार्डन जापान में है और उसका नाम भी ओकायामा गार्डन है। तो उसी नाम से यहाँ पुणे में भी इस गार्डन को बनाया है। तो आप इस गार्डन को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। और बारिश थोड़ी सी कम होने के बाद मैं फिर से शूट करती हूँ। तो जब आप समर सीजन में आओगे ना तब आपको ये गार्डन इतनी खाली नहीं मिलेगी। तो मैं आई हूँ रेनी सीजन में और मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है गार्डन, और बहुत लोग भी नहीं है, बहुत शांति भी है और मुझे वीडियो शूट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा हो गया। तो दोस्तों, यहाँ के छोटे छोटे झरने, लकड़ियों के पुल, पानी में तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियाँ ने इस गार्डन को और भी खूबसूरत बनाया है। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज भी अपलोड की हुई है और इस बार मैंने ब्लॉग वीडियो बनाया है। तो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बारिश बहुत ही हो रही है इसलिए मैं
अब शूट यही खत्म कर देती हूँ और चलते हैं घर। दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।